तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आप अपने करेक्टर पर, अगर आप अपने बंदे पर बियर्ड लगाना चाहते हैं, ठीक है, मूछ दाढ़ी लगाना चाहते हैं, तो आप कैसे लगाएंगे। दोस्तों, आपने देखा होगा यहाँ पर, मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आप इन्वेंट्री में जाएंगे, अगर आप यहाँ पर जाएंगे, तो आपको यहाँ पर एक बियर्ड मिल रही है। ठीक है, ठीक है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बियर्ड है। तो आप इसको अनलॉक कैसे करेंगे, आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप इसको अनलॉक कर पाएंगे कि नहीं। अगर आप अनलॉक नहीं कर पाएंगे, अगर आप सेम टू सेम बियर्ड लेना चाहते हैं, तो आप कहां से ले सकते हैं। ठीक है, बहुत से लोग कमेंट करके बोल रहे थे, तो मैं सोचा क्यों ना यार इसके ऊपर वीडियो बना दूं। तो चलिए इस कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं कि भाई हम इसको कैसे अनलॉक करेंगे, अनलॉक कर पाएंगे कि नहीं। ठीक है, मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ आज के इस वीडियो में। तो चलिए इस कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। प्लीज़ यार, वीडियो को लाइक कर देना और आप इस वीडियो को शेयर कर देना। अगर आप हमारी वीडियो को एक लाइक करेंगे, एक शेयर करेंगे, तो हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा और हम आगे भी आपके लिए इसी तरह की नई नई वीडियो सर्च करके लाएंगे। और दोस्तों, आप सब्सक्राइब पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर देना। अगर आप ऐसा कर देते हैं, तो जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूंगा, नोटिफिकेशन मिलेगा और आप हमारी वीडियो को सबसे पहले देख पाएंगे। और दोस्तों, आपको कमेंट सेक्शन में जाना है, एक प्यारा सा कमेंट करना है, नाइस वीडियो, गुड वीडियो, जो भी आपके समझ में आता है, लेकिन आपको एक प्यारा सा कमेंट कर देना है। तो चलिए बढ़ते आगे वीडियो में। तो दोस्तों, अगर आप इसको अनलॉक करना चाहते हैं, अगर मैं यहाँ से एक बंदे को सेलेक्ट किया, ठीक है, आप देख सकते हैं कि बियर्ड है, तो आपको बियर्ड को सेलेक्ट करना है। उसके बाद में आप इसके हेयर को यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब अगर मैं अनलॉक पे क्लिक करता हूँ, तो अभी आप देखना अनलॉक नहीं होगा, ठीक है। आप देख सकते हैं कि जैसे मैं परचेज पे क्लिक किया, आप देख सकते हैं यहाँ पर लिख के आ रहा है अनबेल टू परचेज रॉयल पास, ठीक है, रॉयल पास ऐसा लिख के आ रहा है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अगर आप इसको अनलॉक करने की सोच रहे हैं, अगर आप इसको अनलॉक करने की सोच रहे हैं, जो बियर्ड है, अगर आप इसको अनलॉक करने की सोच रहे हैं, तो आप इसको अनलॉक नहीं कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन आप सेम टू सेम बियर्ड अनलॉक कर पाएंगे कहाँ से, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आप इसको अनलॉक नहीं कर पाएंगे। अगर दोस्तों आप ध्यान देंगे, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है अनलॉक ड्यूरिंग रॉयल पास सीजन 7। जो लोग सीजन 7 का रॉयल पास लिए थे और उसी समय इसको अनलॉक किए थे, वही लोग इसको यूज कर पाएंगे, बाकी कोई भी यूज नहीं कर पाएगा। आप कितना भी मतलब यूसी खर्च कर दो, फिर भी यह अनलॉक नहीं होगा, ठीक है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है यह सीजन 7 के रॉयल पास में आया था। तो दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि आप इसको अनलॉक कैसे करें, कैसे होगा, तो मैं आपको बता दूं कि यह अनलॉक नहीं होगा, आप इसके पीछे ना ही पड़े तो अच्छा है, ठीक है। बहुत से लोग कमेंट करके बोल रहे हैं, तो मैं सोचा क्यों ना यार वीडियो बना दूं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आप देख सकते हैं कि मेरे फेस पे, मेरे कैरेक्टर के फेस पे एक बियर्ड लगा हुआ है। तो अगर आप इस तरह का बियर्ड लेना चाहते हैं, मैं आपको दिखा देता हूं, मेरे पास एक और बियर्ड है, ठीक है, किधर गया, आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक और बियर्ड है। अगर आप इस तरह का बियर्ड लगाना चाहते हैं, अगर आप इस तरह का बियर्ड लगाना चाहते हैं अपने फेस पे, तो आप लगा सकते हैं, वह भी परमानेंट आप ले सकते हैं। वह कैसे, मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए आपको जाना है शॉप में, ठीक है, आपको शॉप में जाना है, उसके बाद में आपको जाना है रिडीम में। रिडीम में जाने के बाद में दोस्तों, आप इसको बिना यूसी के लेंगे, ठीक है, आपको यूसी खर्च नहीं करना है। आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर दो बियर्ड मिल जाएगा, ठीक है, आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर दो बियर्ड मिल जाएगा, एक तो सिर्फ मुच्छी है और दूसरा गॉगल के साथ में मुच्छी है, ठीक है। मुझे यह वाला काफ़ी ज़्यादा कमाल का लग रहा है, अगर आप इसको लेना चाहते हैं, अगर आप इसको भी लेना चाहते हैं, तो आपको लगभग एक के लिए 300 से 400 सिल्वर फ्रेगमेंट खर्च करना होगा, उसके बाद में आप इसको परमानेंट ले सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मैं इसको ऑन कर लिया हूँ, ठीक है, इसको भी ऑन कर लिया हूँ, तो आप इसको परमानेंट ले सकते हैं। दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा कमाल की ट्रिक, अगर आप बियर्ड लेना चाहते हैं, अगर आप अपने बंदे पर बियर्ड लगाना चाहते हैं, तो यह ट्रिक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा कारगर होगी। और हाँ, आपको बता दूँ, आप उस वाले बियर्ड को अनलॉक नहीं कर पाएंगे जो आपके यहाँ पर है, ठीक है, जो आपके यहाँ पर है, आप उस वाले बियर्ड को अनलॉक नहीं कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और आप इस वीडियो को शेयर भी कर देना। और दोस्तों, आप किस टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं, अगर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। और अगर इतना सब कुछ करने के बाद में आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक मिल जाएगा वीडियो को डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, तो आप मुझे ज़रूर फॉलो कर लेना। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।